अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। बेसिकली एक्स कोई सेट है और पी एक्स क्या है उसका पावर सेट है। कह रहा है आर एक रिलेशन है डिफाइंड इन पी एक्स। तो बेसिकली एक एक चीज को समझो, यानी कि एक्स कोई सेट है, लेट्स से हमने यहां पे अज्यूम कर लिया कि भैया लेट्स से 1 2 कोई सेट है, तो पावर सेट ऑफ एक्स कैसा होगा? इट विल बी 5 1 2 1 2। ठीक है ठीक है। अब वो कह रहा है कि आर एक रिलेशन है इन पी एक्स। तो बेसिकली आर कैसा है? फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पी एक्स टू पी एक्स। समझो ना बातों का मतलब, समझो। कह रहा इन पी एक्स एज फॉलोज, फॉर सबसेट्स ए एंड बी इन पी एक्स, यानी कि ए आर बी आर द सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर प्रेजेंट इन पी एक्स। सो बेसिकली लेट्स से हमने फॉर एन इंस्टेंस ए इसको कह दिया और बी हमने इसको कह दिया, लेट्स से। ठीक है ओके। तो या माइट भी हम कुछ भी, कोई भी एनी टू ए बी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा कि फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स, पी एक्स के अंदर ए बी कुछ सबसेट्स हैं, है ना। डेफिनेटली वो किसके सबसेट है? एक्स के सेट के। तो कह रहा है ए आर बी, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, है ना। कहने का मतलब इस रिलेशन के अंदर जो भी हमारे पास पेयर्स आएंगे, दैट कुड बी लाइक 5 1, है ना, इस तरह का ऑर्डर पेयर्स आ सकते हैं, या फिर हमारे पास 1 1 2 आ सकता है, या फिर हमारे पास 1 और 1 आ सकता है। क्योंकि ये सारे केसेस में क्या है भाई, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे का सबसेट है, चेक कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको, है ना। ये तो हमने 1 के रिस्पेक्ट में लिखा, फिर हम 2 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, फिर 5 और 1 2 के रिस्पेक्ट में भी। तो आगे और भी बढ़ा सकते हैं इसको, है ना। खैर हमें वो, हमें ऐसा रिलेशन लिख के नहीं दिखाना हमें, है ना। हमने तो बात समझी है कि ए आर बी इफ ओनली ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। जो पहला एलिमेंट है लाइक ए बी, द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इन आर, एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी इन आर इज व्हाट, लाइक ए इज द सबसेट ऑफ बी वेयर ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स एंड बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, और ऑल्सो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो दिस वे, है ना, हमने एक रिलेशन देखने के लिए हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। कह रहे इज आर एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। तो देखो, समझने की अगर हमें देखना है तो देखेंगे क्या ये इक्वलेंस हो सकता है। देखो एक बात सुनो, देखो अगर मैं इस आर को और आगे तक लिखता हूं, आर तक आगे तक लिखता हूं, तो यस ये कैसे लिखा है हमने कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे का सबसेट है। बेसिकली हर ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का सबसेट है। तो अगर हम इक्वलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स और फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स, ए विल ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज वॉट? ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो रिफ्लेक्सिव तो भैया है, रिफ्लेक्सिव तो है। मतलब समझो क्या कह सकते हैं कि इस आर के अंदर अगर हम बात करें तो भाई देखो ना, 5 5 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, ठीक है ना, 2 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ना, क्योंकि क्या है, देखो अगर आप ध्यान से, और ये देखो 1 2 1 2, ये तो सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं रिलेशन में, क्योंकि पहले वाला हमेशा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमने आपको करके दिखाया। यहां पे हम आपको कह रहे हैं कि यार ए ए बिलोंग्स टू तो आर होगा ही ना, जितने भी एलिमेंट ले लो आप किस में, पी एक्स में, या जितने भी सबसेट ले लो आप एक्स के, तो हमेशा क्या होगा, ए तो सबसेट ऑफ ए ही होगा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक। अब एक बात सुनो, हम कह रहे हैं कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, व्हाट डज इट मीन?
व्हाट डज इट मीन? दैट इज द सबसेट ऑफ बी. बट सी, अगर ए बी का सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि बी भी ए का सबसेट होगा. इट डज नॉट इंप्लाई, इट डज नॉट इंप्लाई कि बी इज द सबसेट ऑफ ए. सो वी कैन नॉट से दैट बी ए विल बिलोंग्स टू आर, है ना. बी ए विल नॉट बिलोंग्स टू आर. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना. तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, वी कैन नॉट हैव बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना. वेयर ए एंड बी आर द टू डिफरेंट सेट्स, तो नॉट सिमेट्रिक, तो इक्विवेलेंस तो नहीं है, है ना. ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना. व्हाट डज इट मीन? कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी. सो इट इंप्लाइज व्हाट? ए इज द सबसेट ऑफ सी. दैट इंप्लाइज व्हाट? दैट ए सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ना. तो ट्रांसिटिव तो ये है, तो रिफ्लेक्सिव है ट्रांसिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी विल से कि दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो क्या लिखेंगे भैया? नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी. तो बेसिकली शो आपको ऐसे ही करना है, आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच. दैट अप्रोच बाय टेकिंग एन एग्जांपल इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल क्या रहा है ना. समटाइम्स ऐसे केस में जहां पे स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट खुद में अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट होता है, उन केसेस में हम एक सेट लेके और क्वेश्चन की प्रॉब्लम को डिकोड करते हैं कि क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या मतलब हम खुद से अपने समझने के लिए ये काम करते हैं, समझ रहे ना. तो बेसिकली सॉल्यूशन आपको ऐसे लिखना है यहां से, ठीक है जी. फटाफट आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट डाउन. अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स इंटू पी एक्स टू पी एक्स गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी वेयर ए बी इन पी एक्स. बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही कुछ एक्स सेट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है. लेट्स से 1 2 ले लिया. पी एक्स क्या है बेसिकली? पी एक्स भैया इसी का ही सबसेट का सेट है, सेट ऑफ द ऑल द सबसेट, यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स, है ना. तो क्या हो गया यहाँ पे? 5 हो गया भैया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भैया यहाँ पे 1 2 हो गया, है ना. तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने ये एक्स को सेट ले लिया. समझने के लिए कह रहा ए और बी क्या है, वो पी एक्स के अंदर है. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी क्या है? दे आर बेसिकली द सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है ना. तो कुछ भी मान लो आप पी एक्स में, है ना. लेट्स से आपने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया फिलहाल के लिए, समझने के लिए क्वेश्चन को. कह रहा है क्या भैया? कह रहा शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, है ना. यानी कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो एक्स सेट है वो एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करे. तो आपको एक बात बताऊं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने एक बात कही थी आपसे. क्या कही थी? क्या बात कही थी भैया? कि भैया आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या बात की थी आपसे? मैंने कहा था कि अगर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए, या फिर ई स्टार ए करके भी ए आ जाए, ठीक है. वेयर ए और ई दोनों किसमें बिलोंग करने चाहिए? जिसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं. यानी कि अगर बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली इस पे डिफाइंड है, तो बेसिकली ए और ई दोनों किस पे बिलोंग करने चाहिए? पी एक्स पे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है जी. अब सुनो, अब क्या है, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि एक्स एक आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर दिस ऑपरेशन, फॉर बाइनरी ऑपरेशन दिस. एक्स एक आइडेंटिटी ऑपरेशन. अब एक बात देखो, देखो भैया आप एक कोई भी सेट, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, एनी सबसेट ऑफ एक्स. सो लेट्स से A is any subset of X, कोई भी subset. तो मान लो मैंने उसको A कह दिया. अब A star E का क्या मतलब है? Intersection. तो अगर मैं A star X लूं तो क्या आ जाएगा भैया? A intersection X. अब क्योंकि A जो है वो हमारा subset of X है, तो definitely A intersection X कितना आएगा मेरे भाई? A ही आएगा. तो A star X equal to A. ऐसी है ना, ए स्टार एक्स की वैल्यू लिख दी हमने. एक्स स्टार ए क्या मतलब?
कि एक्स इंटरसेक्शन है, अगेन ही आ गया आपके पास। तो भैया जब ए हमारे पास कोई भी सेट, यानी कि ए बी, हमने यहां पे लिख के दिखा सकते हैं कि ए बी, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, तो किसी भी सबसेट के लिए अगर आप उसका इंटरसेक्शन भैया एक्स के साथ लोगे तो वापस वो ही एलिमेंट आ रहा है। एंड एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, बेसिकली द पी एक्स, सो वी कैन से दैट दिस एक्स इज व्हाट। होता क्या है, अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए हो जाए तो ए को हम क्या, ई को क्या बोलते हम, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं ना मेरे भाई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया यहां पे, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन फॉर स्टार। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हम सिर्फ समझने के लिए करते हैं कि चल क्या रहा है ना, बाकी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, करना ऐसे ही है। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन स्टार, तो हमने वो तो भैया दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट बताओ कि एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट हमें शो करना है। करते हैं जी, यहां पे कर दूं, जब एक बार हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है ना तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं कि भैया एक ऐसा एलिमेंट बी निकालना जिससे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। कुछ ध्यान आया क्या, इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालने के लिए करते हैं ना ऐसा। तो भैया लेट से ए ए कोई, लेट से कोई एनी सबसेट ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अब हमें तो बी निकालना है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक्स है, बी इंटरसेक्शन है। अब एक बार बताओ भैया, एक्स तो सबसे बड़ा सेट ही है यार, वो एक्स तो समझो सबसेट तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स ही होगा ना बेसिकली। तो एक्स कह रहे इंटरसेक्शन लेने के बाद एक्स आ गया, इंटरसेक्शन लेने के बाद एक्स आ गया, डेफिनेटली उसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो आप वो एक्स या एक्स से बड़े होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी अगर एक्स आ रहा है तो या तो इनमें से कोई एक्स होगा और दूसरा एक्स से बड़ा होगा, बट एक्स से बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि बेसिकली जो ए और बी सेट है वो दोनों ही क्या है, ए एंड बी बोथ आर एक्स, सो दैट एक्स इंटरसेक्शन एक्स वी गेट एक्स, ठीक है ना। सो वी विल से कि ये सिर्फ एक्स है, ये ही सिर्फ अकेला इन्वर्टिबल एलिमेंट है, एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, है ना, एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट जिसका इन्वर्स क्या है, एक्स ही है, एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट एंड एक्स इज द इन्वर्स ऑफ दिस एलिमेंट। सी अगर आप इसकी जगह कोई छोटा एलिमेंट ले भी लेते, मान के चलो आपने ए इसको ले लिया होता, अरे यार वन के इंटरसेक्शन के साथ कभी इस पूरे सेट को ला सकते हो क्या, वन के साथ आप कुछ भी कोई भी दूसरा सबसेट ले सकते हो जिसका इंटरसेक्शन एक्स आ जाए, नहीं आ सकता। एक्स इंटरसेक्शन आने का मतलब क्या है कि दोनों में से, या तो दोनों सेट एक्स हो या कोई सेट उनमें से एक्स और दूसरा सेट एक्स से बड़ा हो, एक्स से बड़ा हो नहीं सकता तो दोनों को एटलीस्ट एक्स होना पड़ेगा तभी वो आएगा। तो एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू n, 1 2 3 अप टू n, ठीक है, टू इटसेल्फ, इसके साथ ही है ना, कितने ऑन टू फंक्शंस बना सकते हैं आप। तो देख बेसिकली एक बात सुनो, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि सारे के सारे कोडोमेन एलिमेंट्स आपके एग्जॉस्ट होने चाहिए, है ना, ऑन टू फंक्शन का सिंपल मतलब। अब एक बात देखो, यानी कि हर एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करें, है ना, तो एक बात सुनो बहुत ध्यान से देखना, अगर हम बात करें तो इसकी कितनी इमेज हो सकती है, कोई एन, इसकी कोई एन भाई, फॉर फॉर वन वैल्यू ऑफ दिस देयर कुड बी एन वैल्यूज ऑफ एन एन वैल्यूज हियर,
ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, एन। नाउ अब टू की बात करते हैं। अब टू, क्योंकि एक ने एक एलिमेंट को एलोकेट कर रखा है, मैपिंग हो चुकी है ना, एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें मिल चुका है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस होंगी, ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट ये ऑक्यूपाई कर चुका है, तो दूसरे एलिमेंट के पास डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगा, एन माइनस वन चॉइसेस होंगी। क्यों? क्योंकि एक पे दो एलिमेंट्स हम नहीं एलोकेट कर सकते, बिकॉज एट वन पॉइंट फंक्शन कैन नॉट गिव टू वैल्यूज। तो यानी कि दूसरे के लिए एन माइनस वन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो सकती है जो हम इधर एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही लिखेंगे। तीसरे में क्या होगा, एन माइनस टू वैल्यूज, क्योंकि दो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी हैं, तो ऐसे ही हमारे पास थ्री टू वन करके। तो बेसिकली देर कुड बी फैक्टोरियल एन ऑन टू फंक्शंस दैट आर पॉसिबल फ्रॉम पर्टिकुलर सेट वन टू एन टू इटसेल्फ, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज्यादा तर्क आपको देना नहीं है ना। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि फॉर द वन वैल्यू इन इन द कोडोमेन देयर विल बी द एन पॉसिबल फंक्शंस, है ना, देन लाइक एन पॉसिबल एलोकेशंस और द कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग, है ना। एंड फॉर द सेकेंड अनदर वैल्यू इन द कोडोमेन देयर विल बी एन माइनस वन पॉसिबल मैपिंग्स, ठीक है ना। एंड देन कंटिन्यूसली एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड दिस वे, है ना, थ्री टू वन। तो फाइनली कितना होगा, फैक्टोरियल एन ऑन टू फंक्शंस वी आर पॉसिबल, ठीक है भैया, आई बात समझ में। तो चलते हैं अब आगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एस एक सेट है और टी एक सेट है, ठीक है ना। कह रहा एफ इनवर्स निकालो अगर फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन मिसिंग है, हाँ, इसके पार्ट तो लिखे ही नहीं मैंने, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट दे रखा है कि अगर एफ ऐसा हो तो क्या करें, ठीक है। सेकंड, तो ये इनवर्स निकालने को आपको कहा गया है ना। तो है तो क्वेश्चन बड़ा आसान, बट एक चीज देखने वाली है कि इनवर्स लिखने से पहले हम लोगों को देखना है कि ये वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो देखो, वन वन ऑन टू ए बी सी और ये वन टू थ्री, ए का थ्री से लिंकेज है, बी का टू से और सी का वन से, ठीक है। तो यस, ये तो वन वन एंड ऑन टू है, ये वन वन एंड ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव है। तो हम इसमें एफ इनवर्स कैसे लिखेंगे, थ्री की इमेज ए, टू की इमेज बी एंड वन की इमेज सी, ठीक है। एंड इधर एफ इनवर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चेक कर लेंगे कि भैया आपका बाइजेक्टिव है भी या नहीं है। तो वन, सॉरी, क्या है, ए बी सी और ये टू वन वन, ओ माय गॉड। तो बेसिकली अगर हम दूसरा सेट देखें वन टू थ्री, तो इसमें क्या कहा, ए की टू से मैपिंग और बी की भी वन से और सी की भी वन से, यानी कि ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया ना, मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना, और ऑन टू है नहीं। तो नॉट बाइजेक्टिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट बाइजेक्टिव इनवर्स। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपसे इनवर्स निकालने को कहा गया है तो बाइजेक्टिव हमेशा जहां पॉसिबल आप चेक करें, मतलब वैसे तो पॉसिबल नहीं, मतलब हमेशा चेक ही करें, ठीक है ना, कई जगह अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा कि ये मैनी वन था, तो इसलिए एफ इनवर्स इसका एक्सिस्ट नहीं करेगा। माइट भी आप जल्दीबाजी में इसको ऐसे लिख सकते थे टू ए वन बी वन सी, है ना, तो गलत हो जाता। तो फटाफट इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द नोट डाउन। तो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर इंटू आर टू आर एंड ओ आर इंटू आर टू आर डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए माइनस बी एंड ए ओ बी इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। दिस कुड बी एनी लाइक ए ओ बी, हाउ द ए कम्स आउट, है ना। तो बेसिकली ये बता रहा है कि वट एवर द लाइक टू नंबर्स आर देयर, वी हैव टू आउटपुट विल बी द फर्स्ट नंबर, है ना। तो इस तरह का कोई ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो
शो डेट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, पहली चीज तो हमें क्या करनी है कि हमें ये काम करना है, पहला काम तो ठीक। उसके बाद कह रहा फर्दर शोज दैट, शो दैट इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ स्टार सी, डस ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ठीक है ना, तो कुछ खास क्वेश्चन है नहीं है, है ना, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखते हैं भैया। सुनो, सबसे पहले तो उसने क्या कहा कि शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो जैसे कि हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी, अब आप खुद सोचो यार, ए और बी क्या है, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली यार मॉडुलस, अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो मॉडुलस ए माइनस बी और मॉडुलस बी माइनस ए इक्वल होंगे, नहीं होंगे, चेक कर लो, डिफरेंस ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है ना, तो ए माइनस बी मॉडुलस बी माइनस ए, अगर मॉडुलस बी माइनस ए मॉडुलस ए माइनस बी के इक्वल है तो मॉडुलस बी माइनस ए हमें क्या देगा, मॉडुलस बी माइनस ए क्या देगा हमें, बेसिकली इट विल गिव अस बी स्टार है ना। अगर ए स्टार बी फर्स्ट माइनस सेकेंड का मॉडुलस है तो बी स्टार ए क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड का मॉडुलस। एंड सी इफ दीज टू आर इक्वल देन वी कैन से दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। और कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर हो, ठीक है ना, अगर हम जो ये वैल्यूज हैं इनको ऑपोजिट प्लेस कर दें, है ना, और अगर ये इक्वल रहे, है ना। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर लाइक सपोज इट ए मल्टीप्लाई बी, है ना, अब ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होंगे तो ए और बी क्या कहलाएंगे, कॉम्यूटेटिव कहलाएंगे, है ना, क्या कहलाएंगे कि ए इंटू बी क्या है, कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि उसकी उल्टी प्रोडक्ट भी इक्वल है। तो बेसिकली कॉम्यूटेटिव का सीधा सच्चा सा मतलब समझे, उल्टा ऑपरेशन, है ना, जो भी कर रहा है उसका उल्टा, ए स्टार बी कर रहे थे तो बी स्टार ए, तो दोनों इक्वल है, तो ये हमने कॉम्यूटेटिव शो कर दिया, पहली बात। अब भैया कह रहे हैं कि आप बताओ कि ये एसोसिएटिव नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको एसोसिएटिव होता क्या है, तो ये तो दिखाया हमने कॉम्यूटेटिव, ये तो हमने क्या दिखाया, कॉम्यूटेटिव दिखाया, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता भैया, एसोसिएटिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी है, ए स्टार बी स्टार सी है, तो हमें ये शो करना है कि नो मैटर द एसोसिएशन कैसा भी होगा ना, ये इक्वल होगा। भाई जब हम तीन वैल्यूज पे ऑपरेटर लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो टू एट ए टाइम लगाएंगे, ऑब्वियस हम कोई भी काम करते हैं टू एट ए टाइम ही तो करते हैं, एडिशन टू एट ए टाइम, सब्ट्रैक्शन टू एट ए टाइम, मल्टीप्लिकेशन टू एट ए टाइम, डिवीजन टू एट ए टाइम, तो ये भी हम टू एट ए टाइम, ठीक है ना। तो ए स्टार बी कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं हम क्या है, टू एट ए टाइम पे, तो ए स्टार बी ले लें या पॉसिबिलिटी यूज हो सकती है बी स्टार ले, बी स्टार सी ले लें, है ना। तो कह रहा है कि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी या फिर ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, तो हमें ये दिखाना है कि ये इक्वल है, ठीक है ना। तो देखेंगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, ए स्टार बी कितना होगा भैया, कितना होगा, मॉडुलस ए माइनस बी, ठीक, मॉडुलस ए माइनस बी, ठीक। अब आप ए स्टार बी का स्टार सी के साथ ले लें तो क्या होगा, ए स्टार बी वैल्यू कितनी है, इट विल बी मॉडुलस मॉडुलस ए माइनस बी माइनस सी। अब अगर आप राइट हैंड साइड में अगर आप बी स्टार सी की बात करें तो व्हाट इट विल बी, मॉडुलस बी माइनस सी। अगर आप ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी लेंगे तो कितना होगा, मॉडुलस ए माइनस बी माइनस सी माइनस, क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, क्या अगर सर समझ में नहीं आया तो हम इसको क्या दिखाएंगे, हम शो करेंगे विद एन एग्जाम्पल, विद एन एग्जाम्पल हम इसको शो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट। अब आप कहोगे सर हमारे एग्जाम में तो टीचर हमारे मार्क्स काट देती है सर, ऐसे एग्जाम्पल से शो नहीं करना। भैया एक बात सुनो, हम तो कह देंगे क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, क्लियरली हमने एग्जाम्पल कहां दिया, हमने तो इसको आर्गुमेंटेटिव ही करा ना, हम इसको शो कैसे करें, हमको फील कैसे कराएं, हमें भी तो फील होना चाहिए ना, हम पहले अपने लिए फील करते हैं फिर हम कह देंगे भैया क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, है ना। तो फॉर ऑब्जर्वेशन ठीक है ना, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट्स से ए को दो ले लो, बी को तीन ले लो और सी को चार ले लो, ठीक है ना। तो ए को जब आप दो लोगे, बी को तीन लोगे, तो दो में से तीन गया माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस देखो ना, दो में से तीन गया
माइनस एक बचा उसका मॉडुलस प्लस वन माइनस सी फोर दैट मीन्स वन माइनस फोर माइनस थ्री का मॉडुलस थ्री। इसमें क्या होगा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करेंगे, ए पहले लिख देंगे बाहर ठीक है, माइनस बी माइनस सी माइनस वन का मॉडुलस, अरे थ्री माइनस फोर माइनस वन उसका मॉडुलस वन, दो माइनस एक एक का मॉडुलस एक। क्लियरली नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ब्रो, ये और ये इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव, दिस इज नॉट एसोसिएटिव। वी हैव नॉट टेकन द एग्जांपल, वी हैव जस्ट टेकन द ऑब्जर्वेशन। मेरे पास जगह नहीं थी, जगह नहीं थी, मैंने इसलिए ये जो ऑपरेशन थे इनमें वैल्यूज वहीं के वहीं पुट करी, नहीं तो आप आगे पुट करके दिखाएंगे है ना। तो क्लियरली दिस इज बिकॉज ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा था कि ये अनइक्वल है ठीक है ना, बट हम इसे शो विद एन एग्जांपल करा हमने ठीक है। ओके तो हमने भैया पहला पार्ट तो उसका कर दिया ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव हमने दिखा दिया बट नॉट एसोसिएटिव दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि जो ओ ऑपरेटर है ये वाला, हम दिखाना है कि ये एसोसिएटिव है बट कॉम्यूटेटिव नहीं है। इस चीज को शो करेंगे, फिलहाल इतना नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस ऑपरेटर इज एसोसिएटिव, ए ओ बी इज इक्वल टू ए है भाई ठीक है। पहले कॉम्पिटिटिव नॉट कॉम्पिटिटिव दिखा देते हैं ना, नॉट कॉम्पिटिटिव, तो बी ओ ए कितना होगा भैया, बी होगा। अरे पहला वाला, पहली वाली वैल्यू दे रहे हैं ना, पहली वाली जो हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है बेसिकली, वी कैन कॉल इट द वेरिएबल ठीक है ना, तो पहले वाला वैल्यू दे रहा है ना ये वापस ठीक है। तो भैया साफ साफ ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, तो दिस इज नॉट कॉम्पिटिटिव, यानी कि ओ ऑपरेटर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी, साफ साफ। अब बात करते हैं हम किस पे, ओ ऑपरेटर पे ठीक है। हमें से क्या दिखाना है कि भैया ये एसोसिएटिव तो है ना, एसोसिएटिव तो है पर कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये क्या दिखाना है, ओ इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये हमें शो करना ठीक है। अब सुनो, ओ इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नाउ ए ओ बी इज इक्वल टू कितना, ए, बी ओ ए कितना होगा, अरे भैया पहले वाला वेरिएबल दे रहा है ना, ये पहले वाली वैल्यू दे रहा है ना, तो पहले वाली वैल्यू कितनी देगा, बी, तो क्लियरली ए ओ बी इज नॉट इक्वल बी ओ ए, इट्स नॉट कॉम्यूटेटिव ठीक है। हमने ये तो शो कर दिया, एसोसिएटिव शो करेंगे। अब हमें क्या शो करना है एसोसिएटिव में, ए ओ बी ओ सी, ए ओ बी ओ सी एसोसिएशन का फर्क सिर्फ, तो ए ओ बी कितना होगा है ना, तो एल एच एस देखेंगे, ये हमें शो करना है टू प्रूव, टू प्रूव एल एच एस, ए ओ बी ओ सी कितना होगा, ए ओ बी कितना देखा मैं, ए पहली वैल्यू देता ए ओ सी, ए फिर ए ओ बी ओ सी आर एच एस कितना होगा, बी ओ सी कितना देगा हमें, बी देगा ना, तो ए ओ बी कितना हो जाएगा, क्लियरली इक्वल, साफ साफ इक्वल ओ इज ठीक है। चलो जी यहां तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। फर्दर शो दैट कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर है ना, दिस विल बी इक्वल टू दिस, डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, ये बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट भी काफी अच्छा है इसका, तो फिलहाल आप ये नोट करो उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट चलते हैं। बहुत बड़ी नोट करता हूं, शो दैट इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए स्टार B O C is equals to A star B O A star C, हमें शो करना है ना, शो करना। अब A star B O C, नाउ ध्यान रखें ऑपरेटर का, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करेंगे पहले, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद ऑपरेटर लगाते हैं। तो B O C क्या देगा हमें बताओ, B O C क्या देगा बताओ, बताओ बताओ, B देगा, चेक कर लो ना, जो भी होता है पहले वाली वैल्यू देता है ठीक है ना, तो बेसिकली ए स्टार स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, एंड ए स्टार बी इज व्हाट, मॉडुलस ए माइनस बी, चेक कर लो ठीक। नाउ आर एच एस, ए स्टार बी
ओ ए स्टार सी। अब भैया ए स्टार भी कितना होगा, मॉडुलस ए माइनस बी, ओ ए स्टार सी मॉडुलस ए माइनस सी। ओ क्या देता है, पहले वाली वैल्यू देता है, क्लियरली इक्वल, चेक कर लो। तो क्या हो गया भैया अपना, ये हमने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, कह रहा डस ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। देखो एक बात सुनो, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन था, इस बात को हम क्या कहते हैं कि स्टार डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस पे, ओ पे। मतलब समझो क्या कहना चाहते हैं, अगर मैं कहीं लिख दूं 2 × 3 + 4, तो मल्टीप्लाई देखो एडिशन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 × 3 + 2 × 4। तो मैं क्या बोलूंगा कि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। तो ये देखो 4 × 3 = 7 = 14 और ये 2 × 3 = 6 + 4 = 8। अरे यार हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँ मैं, है ना, तो पहाड़े मुझे जो है ना टेबल्स हिंदी में याद है ना, वैसे तो इंग्लिश में भी आते हैं, बना लेता हूँ मैं। अब सुनो, अब अगर मैं आपसे पूछूँ क्या क्या एडिशन मल्टीप्लीकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर मैं लिखूँ 2 + 3 × 4, तो क्या ये 2 + 3 × 2 + 4 होगा, चेक कर लो, बोर्ड मास 4 × 3 = 7 है ना, सॉरी 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 + 2 = 14, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, +14। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 3 × 2 = 6, अरे क्या कर रहा हूँ, 3 × 2 = 5 × 4 × 2 = 6, ठीक है ना, 30, 3 × 2 = 5 और 4 × 2 = 6, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। तो 14 इज नॉट इक्वल टू 30, तो हम क्या कहेंगे कि प्लस यानी एडिशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आई बात समझ में, तो ये अनइक्वल होता, तो ये मतलब था। तो अब यहां पे देखो अगर आप, तो हमने स्टार को ओ पे डिस्ट्रीब्यूट कराया और देखा कि हां स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ओवर ओ। अब क्या उसने क्या पूछा है कि डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, तो मतलब समझ गए ना क्वेश्चन का, इतनी राम कहानी मैंने इसलिए थोड़ी बताई, इस पार्ट को समझाने के लिए बताई कि बेसिकली पूछ क्या रहा है, यानी कि ए ओ बी स्टार सी, क्या ए ओ बी स्टार ए ओ सी के इक्वल होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखते हैं भैया LHS देखते हैं, ए ओ बी स्टार सी कितना होगा, चेक कर लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए ओ बी स्टार सी दैट मीन्स मॉडुलस बी माइनस सी। अब ए के साथ आप कुछ भी ले लो ना यार, ए ओ बी माइनस सी यही आएगा, ठीक है। अब सुनो RHS, ए ओ बी कितना देगा, ए ओ बी स्टार ए ओ सी था ना, तो ए ओ बी कितना देगा आपको, ए, और स्टार ए ओ सी कितना देगा आपको, ए, ए स्टार ए मॉडुलस ए माइनस ए 0, नॉट इक्वल ना, तो हम क्या कहेंगे, नो ओ ओ डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, है ना, डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, दैट मीन्स दिस इज अनइक्वल, करेक्ट। चलो जिसको आप नोट कर लेंगे भैया, बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफी सारी चीजें इसने पूछ ली, कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव ये वो फलाना डिकड़ा सब पूछ लिया। अब सुनो 13th क्वेश्चन करता है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।